ये डाटा दिया गया है 9x² - 4x = 49, ये एक इक्वेशन है, और 3x² - 10x = -3, ये दूसरी इक्वेशन है, और कॉलम ए में क्वांटिटी दी गई है x² + x, और कॉलम बी में दिया गया 15, और हमने कंपेयर करना है कि कौन सी क्वांटिटी ग्रेटर है, ये इक्वल है या इनमें कोई रिलेशन ही नहीं है। इसके लिए हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन है 9x² - 4x = 69। अब इस इक्वेशन को हम माइनस से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे रख देते हैं, -3x². अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा +10x = ये माइनस से मल्टीप्लाई होके 3 आ गया। दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो ये आ गया 6x² + 6x = ये ऐड हो गया तो ये 72। अब इसमें से आप 6 को कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x² + x = 12। ये यानी कि ये जो क्वांटिटी है दिस इज़ इक्वल टू 12, और जबकि कॉलम बी के अंदर 15 दिया गया है जो कि ग्रेटर है 12 से, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी।